नमस्कार, मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि इस वीडियो के साथ ही मैं निरंतर एक वीडियो डेली अपलोड करूँ, शॉर्ट वीडियो 5 to 7 मिनट की। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के बारे में। पहले चर्चा करते हैं कि ये शब्द ट्रेंड में क्यों आया है। इन दिनों अखबार में हमने कई दफ़े पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ कि विगत दिनों आप सभी ने सुना होगा कि रूस का एक बड़ा शहर है क्रेमलिन, उस क्रेमलिन पर कुछ ड्रोन अटैक हुए थे। अब वो ड्रोन अटैक किसने करवाए हैं, इसको लेकर जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पढ़ने को मिलेगा। रूस ने कहा है कि यह अटैक जो है वो यूक्रेन ने करवाया, क्योंकि यूक्रेन उसका एनिमी है। यूक्रेन ने कहा है कि यह अटैक मैंने नहीं करवाया, मतलब यूक्रेन ने नहीं करवाया, ये अटैक रूस ने खुद पे करवाया है। तो जो व्यक्ति, जो विद्वान, जो स्कॉलर्स, जो एनालिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये मानते हैं कि रूस ने खुद पे ही ये अटैक करवाया है, तो उन्होंने इस थीरी को नाम दिया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो जब कभी कोई देश खुद पर ही अटैक करवाता है अपने देश के नागरिकों की सिंपैथी और सपोर्ट गेन करने के लिए, तो इस टैक्टिक को नाम दिया जाता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब विषय ये आता है कि क्या ये कोई नई बात है कि किसी देश ने खुद पे ही अटैक करवाया हो टू गेन सिंपैथी एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर सिटीजन्स। तो नहीं, यह तो मेकियावेली और हीगल अगर आप थॉट में पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी वीडियोस ला रहे हैं उसमें हम थॉट और थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी उस चीज़ को देख सकें। तो मेकियावेली और हीगल ने एक चीज़ कही थी, हीगल का इस वजह से विरोध भी बहुत किया जाता है, हीगल ने युद्ध का समर्थन किया था। हीगल कहता था कि जब तक किसी देश में युद्ध रहेगा या युद्ध जैसी परिस्थितियाँ रहेगी, तब तक उस देश के नागरिकों का समर्थन अपनी सरकारों या उस टाइम के राजा महाराजाओं को प्राप्त होगा। तो देश को एक बनाए रखने के लिए, अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, अगर संभव हो, युद्ध नहीं हो रहा हो, तो राजा को युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। जिस समय युद्ध की परिस्थिति नहीं होगी, उसी समय व्यक्ति बट जाते हैं, चाहे वो रीजनलिज्म में बटे, चाहे वो भाषावाद में बटे, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनमें बंटवारा दिखता है। हमने भी कई दफ़े इस चीज़ को फील किया होगा कि यूं तो हम भारत के लोग जो हैं वो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्म, अनेकों आधारों पर हम बटे हुए हैं, लेकिन जब युद्ध की बात आती है, किसी देश के साथ हमारा युद्ध छिड़ता है या युद्ध जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, तब हम सभी मिलकर अपने देश का समर्थन करते हैं, हम अपनी सरकार को सपोर्ट देते हैं। तो अब क्योंकि युद्ध लंबा छिड़ रहा है, रूस यूक्रेन संघर्ष या युद्ध जिसे मैं कहूँ, बहुत लंबा छिड़ चुका है, लगभग इसको 1.5 साल हो चुका है, तो इस परिस्थिति में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो भी रूस से बाहर आ चुकी है, रूस की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। तो रूस के नागरिकों का समर्थन जब उसको लगा कि यार थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो रूस को, या मैं कहूँ व्लादिमीर पुतिन को, वापस याद आए हीगल कि जब सरकारों को अपने देश के नागरिकों का समर्थन कम होने लगे तो युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण करें। अब यूक्रेन जो है उस पर अटैक करे, कब करेगा, यूक्रेन को आगे होके तो वो कहेंगे नहीं, इसलिए रूस ने स्वयं अपने ऊपर आक्रमण करवाया। और आक्रमण करवाने के बाद व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम बदला लेंगे। तो आक्रमण करवाया, जैसे ही वैसे ही पूरे जो रूस है उसके नागरिकों का समर्थन अपनी सरकार को प्राप्त हुआ कि आप इस युद्ध को जारी रखें और ईंट का जवाब पत्थर से दें। और यूक्रेन सक्सेसफुल हो गया, रशिया सक्सेसफुल हो गया। 1961 का जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, उस दौरान भी अमेरिका ने जिस टैक्टिक को यूज़ किया था वो था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमेरिका ने किया ये था कि अपने देश में ही उन्होंने अपना ही एक प्लेन रखा और उसको क्यूबन जो एयरविंग है, एयरफोर्स है, उसके कलर से कलर कर दिया ताकि लगे कि ये क्यूबा का मिसाइल है।
सॉरी क्यूबा का प्लेन है और क्यूबा का प्लेन उनकी टेरिटरी में एंटर कर चुका है, उस बेस पे वो क्यूबा के ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो कई दफ़े जब आपको कोई कारण नहीं मिलता है किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने का, तो आप क्या करते हैं, पहले खुद ही अपने ऊपर अटैक करवाते हैं, देश जो है अपने ऊपर अटैक करवाते हैं, नाम लेते हैं अपने दुश्मन देश का और उस बेस पे अपने नागरिकों की सिंपथी गेन करके सामने वाले देश के ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को कि रशिया के क्रेमलिन के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम बदला लेंगे, और देखेंगे कि एक महीने के बाद ही रूस ने यूक्रेन का एक बांध जो है वो तहस नहस कर दिया। तो इसी के साथ समापन करते हैं आज के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। कल हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आएंगे। आपको अगर किसी टॉपिक पर डाउट है, आप चाहते हैं कि उस पर 5-7 मिनट की शॉर्ट वीडियो बन जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।